हमारे देश में गायों की लगभग 30 और भैंसों की 15 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें दूध देने वाली नस्लों की संख्या सीमित है। हमारे किसान जिनकी इच्छा दूध व्यवसाय से जुड़ने की हो, उनके लिए दुधारू पशुओं की नस्लें एवं चयन की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। दुधारू पशुओं का चयन उनके जातिगत गुणों, दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता इत्यादि के आधार पर किया जाता है। साहिवाल, ये लंबे सिर, छोटे सींग, मध्यम आकार, लाल रंग, ढीले चमड़े एवं लंबे थनों वाली नस्ल है, जो प्रति ब्यांत 300 दिन लगभग 1900 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। लाल सिंधी, ये गहरे लाल एवं भूरे रंग की मध्यम आकार की गाय है, जिसका सींग छोटा और कान बड़े होते हैं। ये प्रति ब्यांत लगभग 1600 लीटर दूध देती है। गीर, ये सफेद चित्तियों से युक्त लाल रंग की मध्यम आकार की नस्ल है, जो गुजरात के गीर पहाड़ियों में पाई जाती है, जिसका सींग मध्यम आकार का, पीछे की ओर मुड़ा हुआ, कान लंबे लटकते हुए एवं पूंछ कोड़े जैसी होती है। ये प्रति ब्यांत लगभग 1500 लीटर दूध देती है। थपाकर, ये गठीले शरीर, लंबा चेहरा, मध्यम आकार के सींग, लंबे काले गच्छों से युक्त पूंछ एवं बड़े कान वाली गाय है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं कच्छ में पाई जाती है। ये प्रति ब्यांत लगभग 2200 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। भैंसों की नस्लों के बारे में बात करें तो मुर्रा नस्ल काफी उपयोगी है। इस नस्ल की भैंसों का मूल स्थान हरियाणा एवं पंजाब का पश्चिमी इलाका है। ये विशाल गहरे काले रंग, गर्दन एवं सिर अपेक्षाकृत लंबा, अयन पूर्ण विकसित पूंछ बालों के गुच्छों से भरे हुए, आगे की तरफ पतली एवं पीछे से भारी होती है। ये लगभग 3 साल में प्रथम बच्चा एवं प्रति ब्यांत लगभग 2000 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सुरती, इस नस्ल का विकास गुजरात राज्य के खैरा एवं बड़ौदा जिलों में हुआ है। मध्यम आकार, सिर लंबा, सींग हंसिया, आकार का रंग भूरा या हल्का काला एवं जबड़े तथा छाती पर दो सफेद धारियों का पाया जाना इस नस्ल की पहचान है। ये नस्ल प्रति ब्यांत औसतन 1800 लीटर दूध देती है। दुधारू पशुओं का मूल्यांकन उनके दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रतिवर्ष बच्चे देने की क्षमता तथा लंबे स्वस्थ एवं उपयोगी जीवन से किया जाता है। अच्छे दुधारू पशुओं को खरीदते समय किसान भाइयों को पशुओं, शारीरिक संरचना, दुग्ध उत्पादन क्षमता, वंशावली, आयु, स्वास्थ्य और जनन क्षमता के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तभी डेयरी व्यवसाय से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।